हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी अगली वीडियो में, जो कि है डॉकर बाइंड माउंट एंड वॉल्यूम्स की। ठीक है, सो आज इस वीडियो में समझेंगे हम कि क्या होता है डॉकर बाइंड माउंट और वॉल्यूम। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं हम डॉकर बाइंड की। ठीक है, बाइंड माउंट की, एंड देन हम बात करेंगे वॉल्यूम्स की। बेसिकली तो यहाँ पे ना दोनों का थोड़ा सा कोरिलेशन होता है, थोड़ा थोड़ा ही है। ठीक है, सो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, देखो सबसे पहले होता क्या था, जब हम डॉकर में, जब हम कंटेनर, क्या पता हमने एक कंटेनर बना रखा है, ठीक है, क्या पता नहीं, मतलब हमने एक कंटेनर बना रखा है, ठीक है, तो उसके साथ हमारी एक लॉग फाइल भी रहती थी। जो जो इसमें चीजें होती थी वो सारी की सारी इसमें लॉग फाइल में आती रहती थी। मतलब अगर जो भी चीज, कोई इंसिडेंट हुई है, कोई ऑडिटिंग हुई, जो भी हुआ है, वो सारा का सारा डिटेल, यूजर का डिटेल, सब कुछ इस लॉग फाइल के अंदर रहता है। ठीक है, अब किसी रीजन से हमारा जो कंटेनर है वो डाउन हो गया। ठीक है, मतलब किसी रीजन के वजह से वो डाउन हो गया, मतलब वर्किंग में नहीं है, वो डाउन हो चुका है। ठीक है, सो अब क्या हुआ, जब ये डाउन हो गया कंटेनर, तो लॉग फाइल भी क्या हो गई, डिलीट हो गई। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है कि जो कंटेनर है वो हमारा, वो है एफिमरल नेचर का होता है, मतलब कि बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। क्यों शॉर्ट लिव्ड होता है, ये बहुत ही छोटी लाइफ स्पेन होती है। क्यों होती है, क्योंकि बहुत लाइट वेट होता है ये। अब लाइट वेट क्यों होता है, आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, कि जो सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, जो ये सब चीजें वो यूज करता है, वो कहाँ से यूज करता है, होस्ट मशीन से यूज करता है। ठीक है, इस वजह से ये बहुत लाइट वेट होता है। अब लाइट वेट होने की वजह से ये बहुत ही एफेमरल नेचर का होता है, मतलब बहुत ही शॉर्ट लिविंग होता है। अब शॉर्ट लिविंग होता है, जैसे ये इसकी ये डाउन हुआ, इसकी आफत आई, वैसे ही लॉग फाइल की आफत आ गई। लॉग फाइल की आफत आती है, लॉग फाइल डिलीट हो जाती है। अब क्योंकि कंटेनर डिलीट हो गया, तो लॉग फाइल डिलीट हो गई। अब लॉग फाइल डिलीट होगी तो हमें आगे का डेटा नहीं मिल पाएगा। हमें क्या होगा, अगर हम इसके बाद कंटेनर को यूज करेंगे तो सॉरी, कंटेनर को अगर हम यूज करेंगे तो हमें कोई भी आगे का एक्सेस नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसकी वजह से ये हमारी प्रॉब्लम आती है पहली। ठीक है, सो बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। सपोज करो हमारे पास एक दो कंटेनर है, एक हमारा फ्रंट एंड है जो कि यूजर इंटरफेस होता है, एक हमारा बैक एंड है। तो ये आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, कि जो बैक एंड है वो एक फाइल पे काम करता है, यानी फाइल पे काम करता है, जेसन पे या एचटीएमएल वगैरह पे। तो ये क्या करता है, ये एक फोल्डर क्रिएट कर देता है। ठीक है, अब फोल्डर किस इन बेसिस पे क्रिएट होता है, जैसे कि सपोज करो ये बना है आज के हिसाब से, ये कल के हिसाब से था, येस्टरडे, और ये 10 दिन पहले का, फिर 15 दिन पहले का, 20 दिन पहले का, समथिंग लाइक दैट। ऐसे फोल्डर के अंदर बने रहते हैं, ठीक है, इस टाइप के। अब अगर किसी रीजन से अगर ये कंटेनर जो है वो मेरा डाउन हो गया अगेन, है ना, डाउन हो गया, मतलब किसी रीजन से ये हमारा फेल हो गया कंटेनर। ठीक है, इसे हम कुछ नहीं कर पाए, फेल हो गया हमारा किसी रीजन की वजह से, तो क्या हो गया, यहां पे हमारी सिर्फ आज की फाइल बचेगी, सिर्फ टुडे की, ठीक है, और बाकी सारी फाइल्स गायब हो जाएंगी। तो अब प्रॉब्लम क्या आएगी, कि अब जब कि भाई आज की फाइल बची है, ठीक है, तो हमारा फ्रंट एंड कंटेनर जो है वो हमें सिर्फ आज के हिसाब से डेटा शो करेगा। अगर हम पिछला डेटा अगर उससे रिट्रीव करना चाहेंगे तो वो शो नहीं करेगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख दिया कि अगर ये डाउन हो जाता है, इफ इफ कंटेनर गोज डाउन, देन ऑल दी इन्फॉर्मेशन जो है टूडे के अलावा जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी सारी गायब हो जाएंगी। ठीक है, ये सब गायब हो जाएंगी, तो इससे क्या होगा, हमारा डेटा है ना, तो ये भी हमें इनवैलिड डेटा देगा बेसिकली। अगर हम कल परसों का मांगे तो बोलेंगे भाई हमारे पास डेटा ही नहीं है, हमें तो सिर्फ लास्ट डेटा मालूम है हमें। ठीक है, सो यहां देखो लिखा है मैंने, इफ बैक एंड डाउन देन फ्रंट एंड विल शो यू ओनली टूडेज डेटा, सिर्फ आज का डेटा दिखाएगा, लास्ट डेटा, मतलब टूडे का मतलब है सिर्फ लास्ट डेटा। ठीक है, सो अब बात करते हैं ऐप कंटेनर की। थर्ड प्रॉब्लम हमारी क्या आती है, एक हमारा ऐप कंटेनर है जिसके अंदर हमारी एक एप्लीकेशन रनिंग है। ठीक है, सो ये क्या करता है, ये डेटा हमारे लेता है क्रॉन जॉब से। क्रॉन जॉब क्या होती है, जो कि एक पीरियोडिकल जॉब होती है ना, कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, इसे कहते हैं जब जो पीरियोडिकल जॉब होती है, जब कहते हैं ना कि भाई पहले तो पहली मंजिल पे जाओगे, जब पहुंच जाओगे ना तो वहां पे एक चीज होगी, उसको देख लेना, उस पर बटन प्रेस कर देना, फिर आप दूसरी मंजिल पे जाओगे। तो ये हो गया पीरियोडिकली, कि आप सीधा दो पे जाओगे तो कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों, जब आप पहली पे जाओगे, बटन दबाओगे, गेट खुलेगा, तो ही आप दूसरे पे जा पाओगे ना। तो एक पीरियोडिकली जो जॉब्स होती है, इस टाइप की जॉब जो कि एक बाई एक करके चलती है, एक के बाद एक, उन्हें कहते हैं क्रॉन जॉब्स। ठीक है, ये किस पे चलती है, होस्ट मशीन चलेंगी, या आपके कंप्यूटर पे, कहीं भी जा सकती है, वो क्रॉन जॉब्स होती है। तो ये क्रॉन जॉब्स की वजह से क्या होता है, एक फाइल बनाती है ये लोग, मतलब फाइल बनती है, इनकी वजह से ये फाइल जेसन में हो सकती है, यूएमएल में हो सकती है, एचटीएमएल किसी में भी हो सकती है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, ये इसको होस्ट पे शो करती है और ये यूजर इसको डिस्प्ले करता है इन फाइल्स को। ठीक है, बट अगर यहाँ पे अगेन यहाँ पे हमारी फाइल के साथ कनेक्शन टूट जाता है, ठीक है, सो अगर हम क्रॉन जॉब से हमें डेटा नहीं मिल रहा है, फाइल्स नहीं अपडेट हो रही है, तो क्या होगा, कंटेनर्स अगेन डोंट हैव डायरेक्ट होस्ट कनेक्ट, कंटेनर का डायरेक्टली होस्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से अगेन हमें डेटा नहीं मिलेगा, अगेन आ जाएगी प्रॉब्लम। ठीक है, सो हमने क्या किया, इसका सोल्यूशन देखने के लिए हमारे पास आते हैं दो ऑप्शन, एक होता है बाइंड माउंट, एक होता है वॉल्यूम्स। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, मैं थोड़ा थ्योरी यहाँ पे लिखा हुआ है, डोंट वरी, आप परेशान मत होना, इसमें हम लोग डेमो भी करने वाले हैं इसका। ठीक है, तो अब आता है बाइंड माउंट। तो बाइंड माउंट में क्या होता है, ये हमारा एक होस्ट है, इसी के अंदर हमारा एक कंटेनर है। ठीक है, सो दिस इज द कंटेनर। अब क्या हुआ, इस होस्ट के अंदर हमने एक बना रखा है डायरेक्टरी स्लैश ऐप।
ठीक है, स्लैश टैब नाम की डायरेक्टरी कह लो या फिर स्टोरेज कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। सो हमने यही उसको हमने बाइंड कर दिया स्लैश टैब किसके अंदर, कंटेनर के अंदर। अगर हमारा यहां पे कंटेनर को डाउन हो जाता है, हमारा कंटेनर अगर हमारा कंटेनर डाउन हो जाता है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों? क्योंकि होस्ट के पास भी स्लैश ऐप नाम की एक डायरेक्टरी है, वही सेम डायरेक्टरी जो कि इसने बाइंड कर रखी है आपस में। इसने इसको मतलब अगर हम कोई चेंज इस पे करेंगे तो वो चेंज इस पे भी जाएगा, कोई चेंज इस पे करेंगे तो चेंज इस पे भी आएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, कंटेनर जो हमारा ये वाला था, सपोज ये C2 है का दूसरा नया कंटेनर हम लेके आए, ठीक है, ये तो हमारा डाउन हो गया, हम दूसरा कंटेनर लेकर के आए। बट अब इसमें आप बोलोगे यार डेटा कहाँ से आएगा, डेटा तो है ना होस्ट के पास, स्लैश ऐप से वो बाइंड कर रखा उसने, तो वो ये डेटा को जो ऐप स्लैश ऐप जो डायरेक्टरी है वो उसको यहां से एस के साथ बाइंड कर देगा। इससे क्या होगा कि हमें अगेन वो हमारे कंटेनर से अटैच हो गया, अगेन उसके पास डेटा पहुंच चुका है, एंड अब वो जो प्रॉब्लम आ रही थी बीच वाली कि डेटा लॉस हो जा रहा था, है ना, वो डेटा लॉस नहीं होगा यहां से, ठीक है। तो बाइंड माउंट्स का ये रीजन है कि वो माउंट कर देता है, बेसिकली बाइंड कर देगा आपस में, ठीक है। बाइंड समझते हो आप, जैसे कितना कॉपीज बाइंड बाइंड कर लो, जैसे ये पेजेस देखो यहाँ पे बाइंड हो रखे हैं सारे, तो ऐसे बाइंड कर देता है वो डेटा को आपस में, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा थ्योरी उसके पढ़ लेते हैं। इफ कंटेनर गोज डाउन होस्ट कैन यूज स्लैश ऐप, अगर कंटेनर डाउन हो गया तो होस्ट जो है स्लैश ऐप यूज कर सकता है एंड क्रिएट अनदर कंटेनर, ठीक है। अब वो जब दूसरा हम एक नया कंटेनर बना के लाएंगे तो वो उसके साथ क्या करेगा, बाइंड इट विद ऐप सो दैट इन्फॉर्मेशन इज नॉट लॉस्ट। तो वही जो स्लैश ऐप है वो उसको यहां से भी यहां माउंट कर देगा, बाइंड कर देगा, जिससे डेटा हमारा लॉस नहीं होगा। अगर आप इसको थोड़ा सा और टेक्निकल में समझना चाहो, इन डॉकर अ बाइंड माउंट इज अ वे टू शेयर अ फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है। कोई फाइल हो सकती है या कोई पूरी डायरेक्टरी हो सकती है, होस्ट मशीन से कंटेनर के साथ शेयर कर देता है। इट अलाउ यू टू थिंक अ स्पेसिफिक फाइल और डायरेक्टरी ऑन योर सेव सिस्टम और टू अ लोकेशन विद इन द कंटेनर, क्रिएटिंग शेयर्ड लिंक बिटवीन द टू। बेसिकली इसका हम अगर सिंपली ब्रेक डाउन करूं, मैं जो मैंने आपको समझाया इस पूरे का, इसमें तीन चीजें हमारी आ रही हैं। एक हमारी होस्ट मशीन आ रही है, राइट, ये जो होस्ट मशीन आ गई। एक हमारा हो गया कंटेनर, जो हमारा कंटेनर आ रहा है, और एक हो गया हमारा बाइंड माउंट जो कि टॉपिक है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में खत्ता में बस ये, ठीक है। सो दिस इज योर कंप्यूटर और सर्वर वेयर डॉकर इज रनिंग। उस मशीन क्या होती है जहां पे आपका डॉकर रन कर रहा है। कंटेनर क्या होता है, कंटेनर होता है डब्बा, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था पिछले वीडियो में कि टिफिन बॉक्स, ठीक है। सो हमारा कंटेनर हो गया डब्बा। दिस इज द आइसोलेटेड एनवायरमेंट क्रिएटेड बाई डॉकर टू रन एप्लीकेशन, जिसके अंदर हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा है, एक आइसोलेटेड एनवायरमेंट होता है वो, ठीक है। अब बाइंड माउंट्स क्या है, इट इज मेकिंग अ सिम्बोलिक लिंक बिटवीन अ फोल्डर, इन दोनों के बीच में एक सिम्बोलिक लिंक बनाता है ये बाइंड माउंट, ठीक है। इससे क्या होता है, वेन यू बाइंड माउंट चेंजेस मेड इन द लिंक्ड फोल्डर आर रिफ्लेक्टेड बोथ ऑन दी होस्ट मशीन एंड इन साइड दी कंटेनर। तो यहाँ पे जो लिखा है ना लिंक्ड फोल्डर, तो लिंक्ड फोल्डर क्या है, जैसे यहाँ पे स्लैश ऐप है वो स्लैश ऐप है लिंक्ड फोल्डर, अगर हम स्लैश ऐप के अंदर कोई भी चीज करेंगे तो वो इन दोनों के अंदर रिफ्लेक्ट होगी, वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, आई गेस आपको बाइंड माउंट का आइडिया लग गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी का जो हमारी प्रॉब्लम थी, जो पहली हमने तीन प्रॉब्लम डिस्कस करी थी, ये तो तीन प्रॉब्लम थी हमारी, है ना, कि डाउन हो जाता था तो हमारी चीजें डाउन हो जाती थी, ये तो तीन हमने प्रॉब्लम लिखी थी। इसका सेकंड सोल्यूशन एक है वॉल्यूम्स, ठीक है। तो एक तो हो गया ये बाइंड, क्या बाइंड कर लो। सेकंड क्या हो गया कि आप एक वॉल्यूम बनाओ बाहर, एक वॉल्यूम बनाओ बाहर, मतलब एक्सटर्नल वॉल्यूम यूज करो और उसको हम कर देंगे कनेक्ट, ठीक है। कैसे, हम डॉकर CLI के थ्रू कर देंगे एक वॉल्यूम क्रिएट, ठीक है, डॉकर कमांड्स के थ्रू। मतलब अब क्या होता है, वॉल्यूम एक लाइफ साइकिल इसका बहुत इजी है, क्यों इजी है, क्योंकि ये क्या करता है, एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं ये वॉल्यूम्स, ठीक है। इनको हम लोग किसी भी फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, यानी होस्ट कर सकते हैं, या EC2 या S3 डेटाबेस MySQL कोई भी डेटा में ऐड कर सकते हैं, और ये क्या हो सकते हैं, इन्हें हम क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। हाँ, अगर ये कहाँ रहते हैं, होस्ट पे रहते हैं, ठीक है। सो होता क्या है, वॉल्यूम देखो, ये आपका एक, मैंने यहाँ ड्रॉइंग नहीं बना रखी है, ठीक है, सपोज करो ये आपका एक कंटेनर है, ठीक है, और ये आपका वॉल्यूम ऐड है इस पे, ठीक है, हमने इसको लिंक कर दिया इसे, ठीक। अब अगर ये कंटेनर को कुछ हो जाता है, या ऐसे समझो ये आपका एक वॉल्यूम है, ठीक है, और आपने इसे ये कंटेनर आपका बड़ा सा कंटेनर, इसके आपने साथ लिंक कर दिया, ठीक। अब अगर कंटेनर को कुछ हो जाता है तो आपको क्या लगता है, वॉल्यूम कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा ना, क्यों, एक्सटर्नल तो खाली इसको हमने लिंक किया था, इससे इसे कुछ हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने आप में सफिशियंट है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम दूसरा कंटेनर बनाएंगे, राइट, और उसके साथ लिंक कर देंगे, ठीक है। सो वॉल्यूम का इतना सिंपल सा लॉजिक है, और इतना सिंपल लॉजिक है उतना ही सिंपल इसका डेमो भी है, ठीक है। इन अ डॉकर वॉल्यूम इज अ वे ऑफ परसिस्ट डेटा जनरेटेड बाय अ कंटेनर टू शेयर डेटा बिटवीन कंटेनर्स। बेसिकली हमें आपको समझा दिया है ना कि वॉल्यूम क्या करता है, इसको हम सिंपली ब्रेक डाउन कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा ये वाला ऑप्शन भी, ठीक है। सो सिंपल ब्रेक डाउन करेंगे अगर इसका, कंटेनर, ठीक है। सो कंटेनर आपको पता है क्या होता है, एक आइसोलेटेड एनवायरमेंट
जो कि डॉकर बनाता है और जिसके अंदर हमारी एप्लीकेशन रन करती है, ठीक है। सो वॉल्यूम क्या होता है? इट्स एन एक्सटर्नल स्टोरेज स्पेस दैट कैन बी अटैच टू वन और मोर कंटेनर्स, ठीक है। अब मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि ये कंटेनर मेरा यहाँ पे था, इसको हमने इससे भी अटैच किया था, इसको हमने दूसरे वाले से भी अटैच किया था, ठीक है। तो ये हम किसी से भी अटैच कर सकते हैं। दिस इज अ स्टोरेज सेपरेटेड फ्रॉम कंटेनर फाइल सिस्टम एंड डिजाइन टू परसिस्ट डेटा। परसिस्ट डेटा मतलब कि उस डेटा को लाइफ लॉन्ग करेगा, वो कंटेनर रहे या ना रहे डेटा रहेगा, इस टाइप आप समझ लो, ठीक है। सो इसका यूज केस क्या है? वॉल्यूम्स आर हैंडी फॉर सिनेरियोज वेयर यू वॉन्ट टू स्टोर डेटा दैट शुड परसिस्ट बियॉन्ड द लाइफ ऑफ सिंगल कंटेनर। मतलब भैया ये बियॉन्ड द लाइफ ऑफ सिंगल कंटेनर, अगर मैंने आपसे बोला ना कंटेनर नहीं रहेगा तो भी डेटा रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, स्टोरिंग डेटा बेस फाइल्स, कॉन्फिगरेशन फाइल्स और एनी अदर डेटा दैट यू वॉन्ट टू प्रिजर्व इवन इफ कंटेनर इज स्टॉप और रिमूव, ठीक है। आप चाहते हो कि एक ऐसा डेटा जो हमारा रहे, अगर कंटेनर हट जाए या कंटेनर ना हटे या हट जाए, जो भी है, अगर कंटेनर हट जाता है या कंटेनर रिमूव हो जाता है या कंटेनर रुक जाता है या कंटेनर डाउन होता है किसी रीजन की वजह से, डेटा नहीं जाना चाहिए, तो उसे कहते हैं वॉल्यूम्स, उसे हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग लैब करने वाले, लैब के स्टेप्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं प्रॉपरली, आप इन चक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करो एंड वहां से ये डॉकर की फाइल है, ये आपको मोस्ट प्रोबेबली आपके वहां पे मिल जाएगी, क्या बोलते हैं, गिटहब में मेरे मिल जाएगी आपको, ठीक है। सो ये डॉकर बाइंड माउंट्स के नाम से आपको मिल जाएगी ये फाइल, बाइंड माउंट्स एंड वॉल्यूम्स की पीडीएफ फाइल है, ये आपको गिटहब पे दे मिल जाएगी, इसको मैं अपलोड वहां पे कर दूंगा, ठीक है। सो इसका हम लैब कर लेते हैं। लैब करने के लिए हमें बेसिकली यहाँ से चलना होगा और एक लॉन्च करनी होगी हमें EC2 इंस्टेंस, ठीक है। हम हमेशा EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं, आप लोग भी EC2 इंस्टेंस लॉन्च यहाँ पे करें ना। ओ जस्ट अ सेकंड, ओके। सो यहाँ मैं करता हूँ उसको डॉकर, ठीक है। सो यहाँ पे हम सिंपल एक डॉकर रन करने वाले हैं, उबंटू पे क्लिक कर दूंगा इसको मैं यहाँ से, और नीचे हम चलेंगे एक की पेयर में ले लेता हूँ डॉकर का की पेयर, राइट, और चलेंगे नीचे, यहाँ से आप अलाउ कर देना ये दोनों सर्विसेज भी, और बाकी तो हमें कुछ छेड़खानी फिलहाल करने नहीं है, तो हम सिंपल आते हैं यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। बहुत थोड़ा टाइम लगता है ये, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार आपको हर बार इंस्टेंस लॉन्च करता हूँ कि आपको लगे जीरो से मैंने बताया, मैं आपको बीच में कहीं नहीं शुरू करना चाहता जिससे आपको कंफ्यूजन हो दिमाग में कि कहाँ से शुरू कर दिया ये चीज, ठीक है, ये कहाँ से आ गई। जैसे अगर जो सीरीज फॉलो कर रहा है उसके लिए तो वेरी वेल एंड गुड है, जो सीरीज नहीं फॉलो कर रहा, भाई 17 वीडियो की सीरीज है, आप फॉलो नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो अगर आप फॉलो कर रहे होगे तो क्या आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप अगर नहीं फॉलो कर रहे हो तो थोड़ा दिक्कत होती है, तो उनके लिए मैंने ये रखा हुआ है, ठीक है। सो मैं यहाँ से पब्लिक आईपी को यहाँ से कॉपी कर लूंगा, मोबाइल टर्म पे इसे करूंगा लॉन्च। मोबाइल टर्म क्यों लॉन्च करता हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि आप जब प्रोडक्शन एनवायरमेंट में होगे तो आपको जो है मोबाइल टर्म या कोई थर्ड पार्टी ऐप ही मतलब यूज करना पड़ेगा, जैसे कि पुट्टी वगैरह, ठीक है। वहां पर आपको ये डॉकर कनेक्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो सिंपली मैंने यहाँ से कर दिया ओके, एंड यहाँ से मैं हो गया हूँ कनेक्शन, मैंने कर दिया एक्सेप्ट एंड वी आर इनसाइड इट नाउ, ओके। सो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको मैं, ठीक है, ये आपकी आईपी ये आपका आईपी एड्रेस है, ठीक है, 119, इसको मैं रहने देता हूँ, एंड यहाँ मैं करते हैं हम लोग सिंपल sudo apt get अपडेट, ठीक है। सो ये मेरा जो वर्चुअल मशीन है वो हो जा रही है अपडेट, ठीक है। इसको आप लोग भी फटाक से अपडेट कर लेना। अपडेट करने के बाद हमें इस पे, क्योंकि आप डॉकर कमांड यूज करने वाले हैं तो हमें डॉकर इंस्टॉल करना होता है, और डॉकर आपको अब तक, अगर आप डॉकर की सीरीज मेरी फॉलो कर रहे हो तो आपको एकदम रट गया होगा डॉकर कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो sudo apt install docker.io-y एंड एंटर। अब क्या होगा, ये मेरा डॉकर इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो डॉकर इंस्टॉल करना बहुत आसान है यार, कुछ नहीं करना होता, डॉकर हमें कोई प्री रिक्वेस्ट नहीं मांगता है, बस आपका जो ये मशीन है ये अपडेट होनी चाहिए, तो अपना पैकेज के हिसाब से आप अपडेट कर लेना, ठीक है। अगर आप लिनक्स वगैरह यूज करते हो, अमेजोन, तो आप लोग को ये इंस्टॉल अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। सो अभी आप क्या कर रहे हो, हम लोग उबंटू यूज कर रहे हैं तो हम लोग apt get अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। तो sudo systemctl status डॉकर चेक करेंगे, तो ये हमारा एक्टिव है और रनिंग कंडीशन में है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसका जो परमिशन है वो चेंज कर देंगे, यूजर मोड -ag docker ubuntu एंटर, ठीक है। तो मेरी परमिशन चेंज हो गई, अब मैं इसे करता हूँ लॉगआउट, लॉगआउट किया, कैपिटल R प्रेस किया एंड इट्स रीस्टार्ट, ठीक है। ओके, सो हम यहां तक पहुंच गए हैं, ठीक है। अब मुझे करना है यहाँ पे क्या, इसको मैं यहां से बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर डॉकर वॉल्यूम ls, आपको दे जाएगा कि यहाँ पे मेरे पास कोई वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। डॉकर
वॉल्यूम क्रिएट टेक बर्नर। टेक बर्नर कोई वर्ड नहीं है, टेक बर्नर मैंने नाम दिया अपने वॉल्यूम का, ठीक है। तो आप लोग का दिल करे आप वो नाम दे सकते हो, तो मैंने सिंपली बनाया वॉल्यूम की क्रिएट कर दो वॉल्यूम जिस नाम की, और ये देखो वॉल्यूम क्रिएट हो गई। अब अगर करता हूँ डॉकर वॉल्यूम ls, तो आपको दिखेगा कि एक लोकल ड्राइव पे हमारी वॉल्यूम पड़ी हुई है, कौन सी, टेक बर्नर नाम से, राइट। सो आप लोग अगर नहीं पता है, सपोज करो अगर मैं इसे करता हूँ क्लियर, ओके, सो आपको नहीं पता है कि भाई कौन सी वॉल्यूम है, क्या वॉल्यूम है, मैं करें डॉकर वॉल्यूम ls, आपको नहीं पता कि जो टेक बर्नर बनी है ये कहाँ बनी है, क्या सीन है, इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। तो आप लोग क्या यूज करने वाले हो यहाँ पे, डॉकर, इसको हम लोग ना क्या करेंगे, इंस्पेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट टेक बर्नर एंड एंटर, आप करोगे आपको मिलेगा ऑप्शंस, आपने कुछ नहीं लिए हैं, लेबल्स कुछ नहीं लिए हैं, ये हमारी क्रिएट हुई है इस डेट में, ठीक है। कहाँ पे क्रिएट हुई है, लोकल ड्राइव के अंदर, और इसका माउंट पॉइंट क्या है, दिस इज द माउंट पॉइंट जो कि है वेयर लिब डॉकर वॉल्यूम टेक बर्नर स्लैश डेटा के अंदर, और इसका नेम क्या है, टेक बर्नर, स्कोप क्या है, लोकल। तो ये ऑप्शन और लेबल्स आपने कोई भी चूज नहीं किए हैं, राइट, कोई भी चूज नहीं किए। तो अब देखो यहाँ पे ना एक और मैं चीज कर लेता हूँ, अपनी गिटहब रिपोजिटरी यहाँ पे ले आता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत पड़ने वाली है। डॉकर हीरो सीरीज का हम गिटहब यहाँ से कॉपी करेंगे। आप लोग भी क्या करना है, इस गिटहब जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, इसको आप लोग स्टार करके ना फॉक कर लेना, ठीक है, यहाँ से आप फॉक कर लेना, राइट। और इसको मैं यहाँ से करता हूँ दिस, राइट, अब मैं करता हूँ गिट क्लोन, क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा, जस्ट बिकॉज ना, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेकेंड मैं आपके लिए काम कर देता हूँ। अगर आपको सपोज फ्रेंड थोड़ा वॉल्यूम की बात कर लेते, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ कि अगर मुझे इस वॉल्यूम को रिमूव करना है, तो मैं कैसे करूंगा, डॉकर वॉल्यूम रिमूव नहीं लिखेंगे, आर एम लिखेंगे सिर्फ, आर एम मतलब रिमूव, क्या रिमूव करना है, टेक बर्नर एंड एंटर। अब करोगे आप जगह डॉकर वॉल्यूम एल एस, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ओके। सो अब मुझे क्या करना है, माउंट करना है, ठीक है, अपने को, अपन को माउंट करना है, तो उसके लिए हमें कंटेनर चाहिए होगा, तो कंटेनर तो हम पे है नहीं, ठीक है, कंटेनर हम पे है नहीं। अगर मैं आपसे करूं, देखो डॉकर इमेजेस, ओके, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे करना है एक कंटेनर रन, तो कंटेनर रन करने के लिए मैं करना होगा गिट क्लोन, और गिट क्लोन करके मैं उसको यहाँ से पेस्ट कर दूंगा जो हमारी रिपोजिटरी है, ठीक है। उससे क्या होगा कि उससे हमारा एक यहाँ पे इमेज हमारी आ जाएगी, एंड मैं उससे जो है बिल्ड कर लेंगे अपन, ठीक है। अगर मैं ls करता हूँ सीरीज, आपको मिलेगा डॉकर हीरो सीरीज, मैं cd करता हूँ डॉकर हीरो के अंदर ls किया मैंने, आपको मिलेगी यहाँ पे एग्जाम्पल्स फोल्डर, तो मैं यहाँ पे cd करूंगा एग्जाम्पल फोल्डर के अंदर ls करेंगे अपन, ठीक है। सो ये हमारी आ गई है फाइल, मैं करता हूँ cd माई फर्स्ट डॉकर फाइल, एंड इसके अंदर आ जाऊंगा एंड ls करूंगा, यहाँ पे आपको मिल जाएंगी मेरी दो फाइलें, यहां तक आपको आ जाना है, ठीक है। यहां तक आने के बाद अब आप कंफ्यूज मत होना, अब मैं यहां करने वाला हूं डॉकर, एक मुझे कंटेनर चाहिए, ठीक, मैं यूज करूंगा डॉकर बिल्ड और हाइफन टी, यानी हम उसको टैग करने वाले हैं, और मैं बनाने वाला हूं एक इसका वॉल्यूम डेमो, कहां पे, डॉट डाल के सेम डायरेक्टरी में, ठीक है। सो ये अगर रहा है, अब ये एक मेरा डॉकर कंटेनर रन कर रहा है, और एक मेरी वॉल्यूम बनाने वाला है, किस नाम से, जो मेरा इमेज रहेगा वो किस नाम से रहेगा, वॉल्यूम डेमो के नाम से, वॉल्यूम डेमो, राइट। सो आप लोग ध्यान रखना वॉल्यूम डेमो, भूलना नहीं है, भूलने दूंगा भी नहीं यार, कैसे भूलोगे, हम सर्च कर लेंगे दोबारा से यार, भूलेंगे कैसे, ठीक है। सो मैंने बना दिया, ठीक, अब मैं एक वॉल्यूम क्रिएट कर लूंगा एक्सटर्नल वॉल्यूम, ठीक है, फिर मुझे उसको माउंट करूंगा मैं इससे, एक्सटर्नल वॉल्यूम क्रिएट करके मैं इसको फिर माउंट करने वाला हूँ, ठीक है, टारगेट पे। अब देखो ये मेरा कंटेनर, अब मैंने आपको जो एग्जांपल दिया ना वैसे ही कर रहा हूं मैं, क्या करूंगा मैं एक कंटेनर बनाऊंगा, एक वॉल्यूम बनाऊंगा, एंड इसको इस कंटेनर पे माउंट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरा अभी जो मैं क्या कर रहा हूँ, कमांड ये मेरी कंटेनर बना रही है, ठीक है, फिर वॉल्यूम बना के इसको बस माउंट कर देंगे, सिंपल सा हमारा है एक डेमो, ठीक है। सो ये मेरा कंटेनर बन रहा है, सो कौन सा कंटेनर है ये, जो हमने पिछले वीडियोज में यूज किया हुआ है, फर्स्ट समथिंग कुछ है, ठीक है, सो जस्ट अ सेकेंड, फर्स्ट डॉकर फाइल आई गेस, या तो फर्स्ट डॉकर फाइल है ये, तो इसको हम लोग एक कंटेनर बना ले रहे हैं, ठीक है। सो ये मेरा कंटेनर अबाउट रेडी है, ठीक है, ये हो चुका है रेडी। अगर मैं अब आपको दिखाऊं डॉकर पी एस, सॉरी डॉकर इमेजेस, कमांड कहाँ गई, चलो टाइप कर देते हैं एंड एंटर, एंड सी दिस, ये जस्ट 13 सेकेंड पहले बनी है, एक लेटेस्ट फोल्डर हमारा बना है
वॉल्यूम डेमो के नाम से, मैंने आपको बताया ना वॉल्यूम डेमो नाम से हमारा एक कंटेनर बन जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो हमारी इमेज बन गई है वॉल्यूम डेमो के नाम से, राइट। तो हमारा एक काम तो हो गया, कंटेनर हमारा बन गया, ठीक है। सो पहले हम वॉल्यूम बना लेते हैं, ठीक है। मुझे वॉल्यूम भी चाहिए क्योंकि वॉल्यूम तो मैं है नहीं, अगर आपको दिखाऊं डॉकर वॉल्यूम ls तो हमारे पास कोई वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। तो मैं कहने वाला हूं डॉकर वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम लिखेंगे, क्रिएट टैग बर्नर, ठीक है। एंड मैंने एंटर किया एंड ये बन गई। अब अगर मैं करूँगा डॉकर वॉल्यूम ls तो आपको दिख जाएगी कि एक मेरी वॉल्यूम यहाँ पे बन गई है टैग बर्नर नाम से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये है मेरा कंटेनर, राइट, ये मेरी इमेज आईडी है एंड मुझे इस इमेज के साथ इस कंटेनर को लिंक करना है, बस इतना सा है मेरा डेमो, ठीक है। तो इसे कैसे करना है आप देखो, डॉकर रन हाइफन डी, ठीक है, हाइफन हाइफन माउंट, और इसे कहाँ से माउंट करना है मुझे, सोर्स SORC सोर्स, सोर्स क्या है मेरा टेक बर्नर, स्पेलिंग गलत मत करना नहीं तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। टेक बर्नर ये मेरा सोर्स हो गया, कॉमा टारगेट, टारगेट मेरा क्या है, स्लैश ऐप, ओके, और वॉल्यूम डेमो, ओके। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही थी, यहाँ मैंने एक एक्स्ट्रा स्पेस दिया था, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा स्पेस जो था ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो ये मैंने इसको किया एंड ये देखोगे इसने मुझे माउंट आईडी मेरी दे दी है, राइट। सो अब मैं क्या करता हूँ आपको, अब मैं दिखाता हूँ, अगर मैं करूँ डॉकर ps यानी मेरे जो कंटेनर्स, कोई कंटेनर अगर मेरा है ps हाइफन ए, ठीक है, ओके, सो दिस इज माई डॉकर जो अभी बना है वॉल्यूम डेमो नाम से, ठीक है, 28 सेकंड पहले बना है, ठीक है। तो ये मेरा बन गया है बेसिकली। अगर मैं आपको बताऊं इसको मुझे, ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ मैं डॉकर देखो, अब मैंने डॉकर ps कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ करता हूँ डॉकर, अगर आपको कंफ्यूजन ना हो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को, ठीक है। अगर मैं करता हूँ डॉकर ps तो आपको दिखा कि मेरी कंटेनर नहीं दिखा रहा है, ठीक है। बट अगर मैं करता हूँ ps हाइफन ए तो दिखा रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, पीएस का मतलब होता है कि मेरे रनिंग कंटेनर्स होने चाहिए, ठीक है। पीएस ए का मतलब है कि वो कंटेनर्स जो कि रन नहीं कर रहे हैं बट कंटेनर है, कंटेनर है। तो मेरी कंटेनर आईडी है दिस वन, ठीक है, इसके साथ ये डेमो लगा हुआ है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा कंटेनर रन करता रहे तो मैं कमांड यूज कर रहा हूं दिस वन रन हाइफन आईटी, यानी इसको इंटरेक्टिव मोड पे मुझे रन करना होगा, ठीक है। मैंने उसको डेमन मोड पे रन किया था, मुझे इंटरेक्टिव मोड पे इसको रन करूंगा मैं। सोर्स मेरा टेक बर्नर है, टारगेट दिस है एंड यहां पे मैं बैश कमांड यूज करूंगा, मैं करूंगा एंटर एंड सी दिस। अब मेरा जो मैं आ गया हूँ कंटेनर के अंदर बेसिकली, ठीक है। अब मैं कंटेनर के अंदर आ गया हूँ, मैं ls करूंगा, आपको मेरी दो फाइलें यहाँ पे बेसिकली दिख जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब मैं करता हूँ अगर डॉकर ps एंड ओके, सो ये मेरी है दो कंटेनर्स, ये देखो 28 सेकंड पहले ये वाला था एंड दिस ये वाला था, ठीक है। तो इसमें मेरा एक, मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लिया मैंने कंटेनर आईडी को, ठीक है। तो अगर मुझे चेक करना है सपोज डॉकर इंस्पेक्ट, क्या इंस्पेक्ट करना है मुझे, इस कंटेनर आईडी के अंदर जो चीजें हैं मुझे उनको इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंस्पेक्ट में सारा का सारा डिटेल इसमें ओपन हो गया, और काफी बड़ी फाइल इसमें ओपन हुई है, राइट। अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ तो काफी बड़ी फाइल इसमें ओपन हुई है, तो इसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ। ओके, सो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ मेरी माउंट की डिटेल्स कहाँ दी है, सी दिस, ये मेरा इमेज है वॉल्यूम डेमो नाम से, वर्किंग डायरेक्टरी है मेरी स्लैश ऐप, ठीक है। और जो मेरा कंटेनर वो किस किस इमेज से बना हुआ है, उबंटू इमेज से मेरा बना हुआ है, ठीक है। और मैं आपको कुछ और चीज दिखा दूँ, कॉन्फिगरेशन फाइल है, होस्ट नेम ये है, ठीक है, और माउंट सी दिस, यहाँ पे मेरा माउंट सेक्शन है, ठीक है। तो मेरा नाम क्या है माउंट का, टाइप है वॉल्यूम, नाम है टेक बर्नर, और ये कहाँ पे माउंट हो रखा है, स्लैश वेयर लिब डॉकर वॉल्यूम टेक बर्नर डेटा के अंदर, डेस्टिनेशन कहाँ है इसकी, स्लैश ऐप के अंदर, ठीक है, जो हमने बात की थी। ड्राइवर कौन सा है, लोकल, मोड इसका जेड है एंड रनिंग वैल्यूज की ट्रू है, बेसिकली प्रोपेगेशन हमने कुछ भी दिया नहीं है, ठीक है। तो आई गेस ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने उस जो हमारा ये टारगेट था, ठीक है, डॉकर के साथ हमने डॉकर का यूज करके कंटेनर के अंदर हमने इस एक्सटर्नल वॉल्यूम को लिंक किया, तो आपको उसके अंदर ये दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां से आता हूँ वापस एंड अब चलते हैं वापस, हमारा काम तो इसमें हो ही गया है।
फिलहाल मैं इसे करता हूँ एग्जिट यहाँ से, ठीक है। और आपको क्या करना होगा, यहाँ से आप लोग लॉग आउट कर देना इसको, एंड यू नो अगेन आपको अपनी जो आपने रन कर रखे इंस्टेंस उसको आपको यहाँ से टर्मिनेट कर देना, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि वो रन होता रहे। हम अगले वाले वीडियो के लिए हम फिर से लंच कर लेंगे, रन कर लेंगे, ताकि कोई अगर वो वीडियो पहली बार देखेगा तो उसको पता होना चाहिए कि हमने चीज़ें कहाँ से स्टार्टअप करी, ठीक है, हमने कहाँ से स्टार्ट किया मतलब, ठीक है। सो आई गेस ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लाइक कर लो। और आपको एक चीज़ बतानी भूल गया था मैं, बट अब बता देता हूँ, थ्योरी थोड़ा सा भूल गया था मैं, मैंने नोट्स में मेंशन की हुई वैसे तो, कि अगर आपको वॉल्यूम डिलीट करनी होगी तो आपको सीधा वॉल्यूम आप डिलीट नहीं कर सकते। अगर आप लिखोगे डॉकर वॉल्यूम रिमूव वॉल्यूम जब अगर वो माउंट हो गई है तो, भूल गया हूं मैं, आप बंद कर दिया तो आपको बता देता हूँ, अगर वॉल्यूम जो है आप उसको सीधा रिमूव नहीं कर सकते हो अगर माउंट हो चुकी है वो, ठीक है। अगर आप माउंट करोगे तो आपको एरर देगा, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको कंटेनर को स्टॉप करना पड़ेगा एंड देन आपको रिमूव करना पड़ेगा। आप जब कंटेनर को स्टॉप करके रिमूव करोगे तो वो रिमूव हो जाएगी, बिना स्टॉप के रिमूव करोगे तो नहीं होगी। जस्ट द इंटरव्यू क्वेश्चन ऑल्सो, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका एक कंटेनर है उसमें आपको वॉल्यूम आपने माउंट कर रखा है, ठीक है, बट अगर आपको वॉल्यूम को रिमूव करना है तो आप कैसे रिमूव करोगे, सो क्या कमांड यूज करोगे, तो आपको वो कंफ्यूज कर सकता है क्या कमांड आप यूज करोगे तो ऐसे करके, या आप कैसे रिमूव करोगे, आप क्या स्टेप्स लोगे। तो आपको सिंपल बताना है कि पहले हम कंटेनर को स्टॉप करेंगे एंड देन हम वॉल्यूम को रिमूव कर पाएंगे, क्योंकि रनिंग कंटेनर में हम लोग वॉल्यूम को रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आई गेस आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, एंड अच्छा लगा है चैनल को, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लाइक कर दो, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट आप कर सकते हो, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।